We'll discuss Pauli's exclusion principle and Hund's rule of maximum multiplicity. Both these rules, ये दोनों rule जो है, these are related to the filling of orbitals with electrons in an atom. So first of all, we'll take Pauli's exclusion principle. This principle was put forward by W. Pauli in 1925. This principle states that no two electrons in an atom can have the same set of all the four quantum numbers. यानी आप कोई भी दो इलेक्ट्रॉन्स एटम में ले लो, उनके जो चार क्वांटम नंबर के वैल्यूज होंगे वो कभी सेम नहीं होंगे. अगर तीन सेम हो, कम से कम एक डिफरेंट होगा, एक तो डिफरेंट हो गया, क्योंकि हमारे पास चार क्वांटम नंबर रहे हैं. हमारे पास अगर इलेक्ट्रॉन, हम इफ आई टेक इलेक्ट्रॉन, अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन ले लूंगा, इसके कुछ खास वैल्यूज है चार क्वांटम नंबर की, यानी एन का वैल्यू है, एल का वैल्यू है, एम का वैल्यू है, एस का वैल्यू है. एटम में कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं होगा जिसको इन चार नंबर, चार क्वांटम नंबर के सेम वैल्यू होंगे. सो दिस इज पॉलीज प्रिंसिपल, यही पॉलीज प्रिंसिपल बताता है. अब अगर ऐसे में इफ वन इलेक्ट्रॉन इज इन एन एटम हैज सम पर्टिकुलर वैल्यूज फॉर द फोर क्वांटम नंबर्स, यानी इफ वन इलेक्ट्रॉन हैज सम पर्टिकुलर वैल्यूज for the four quantum numbers, then all other electrons, जो बाकी electrons हैं, all other electrons in that atom are excluded from having the same values. यानी दूसरे सारे electron, they are excluded from having the same values. यानी उनको ये same values नहीं हो सकती. जो दूसरे electrons हैं, किसी उनमें से किसी भी electron को same values नहीं हो सकते हैं. ये जो इस electron को हैं. That means they're excluded from having the same set of values. So because of this reason, इस reason की वजह से, the principle is called exclusion principle. इसीलिए उसको हम बोलते हैं exclusion principle. We can define this Pauli's principle in other words. Also, we have one more statement. So this can be stated also, an orbital cannot have more than two electrons, or we can say that an orbital can have maximum of two electrons. Orbital ko maximum honge two electrons, and these must have opposite spins. Unko opposite spins honi chahiye. For example, agar ye orbital hai, isme sirf दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन इसमें से आ सकते हैं. इट कैन अकोमोडेट नॉट मोर देन टू इलेक्ट्रॉन, सो दीज टू इलेक्ट्रॉन मस्ट हैव अपोजिट स्पिन. इसका अगर अप स्पिन है, इसका दूसरे का होना चाहिए डाउन स्पिन, सो दे मस्ट हैव अपोजिट स्पिन. अब हम इससे, जब आपके पास ये, अब आपको बताए कि ऑर्बिटल कैन नॉट अकोमोडेट मोर देन टू इलेक्ट्रॉन, अब हम कह सकते हैं पी सब शेल में तीन ऑर्बिटल्स होते हैं, उसके मैक्सिमम हो सकते हैं सिक्स इलेक्ट्रॉन. डी में पांच ऑर्बिटल होते हैं, उसके मैक्सिमम हो सकते हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स. एफ में सात ऑर्बिटल हो सकते हैं, सात ऑर्बिटल्स होते हैं, और उसको मैक्सिमम हो सकते हैं 14 इलेक्ट्रॉन्स. सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी कैन नाउ डिसाइड. सो पी सब शेल मैक्सिमम कर सकती है अकोमोडेट 6 इलेक्ट्रॉन्स, डी सब शेल मैक्सिमम अकोमोडेट कर सकती है 10 इलेक्ट्रॉन्स, और एफ सब शेल मैक्सिमम अकोमोडेट कर सकती है दीस 14 इलेक्ट्रॉन्स. Now we'll take Hund's rule. So this was about Pauli's principle. Now Hund's rule. So Hund's rule. This Hund's rule deals with the filling of. If we'll take Hund's rule, it deals with the filling of. It deal karta hai. Deals with the filling of. Filling of electrons into degenerate orbitals of the same subshell. Yani this Hund's rule, ye jo Hund's rule hai, it deals with the filling of electrons. Yani agar hame electrons
रखनी है अगर हमें डिजिटल ऑर्बिटल्स फिल करने हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो उस वक्त हमें हुंडस रूल अप्लाई करना है, बट दीज डिजिटल ऑर्बिटल्स मस्ट बिलोंग टू द सेम सबशेल। फॉर एग्जांपल वी हैव पी सबशेल, इसमें पी एक्स होता है, पी वाई और पी जेड, दीज ऑर्बिटल्स आर डिजनरेट। डिजनरेट का मतलब है दे हैव सेम एनर्जी, उनकी एनर्जी सेम होती है, उनकी एनर्जी सेम है डिजनरेट ऑर्बिटल्स। अगर हमें इनमें इलेक्ट्रॉन रखने हैं, इनको हमें फिल करना है इलेक्ट्रॉन, सो वी हैव टू फॉलो हुंडस रूल। सो व्हाट हुंडस रूल स्टेट इज दैट इलेक्ट्रॉन पेयरिंग कैन नॉट ऑकर अंटिल, तब तक इलेक्ट्रॉन पेयरिंग नहीं होगी। फॉर एग्जांपल इफ यू हैव दीज थ्री ऑर्बिटल्स, तब तक इलेक्ट्रॉन पेयरिंग नहीं होगी जब तक इलेक्ट्रॉन पेयरिंग कैन नॉट ऑकर, यानी हुंडस रूल स्टेट्स दैट इलेक्ट्रॉन पेयरिंग कैन नॉट ऑकर अंटिल ईच ऑर्बिटल ऑफ ए गिवन सबशेल कंटेन्स वन इलेक्ट्रॉन ईच और इज सिंगली ऑक्यूपाइड। दैट मीन्स तब तक पेयरिंग नहीं हो सकती इन द डिजनरेट ऑर्बिटल्स। इफ यू वांट टू पुट द इलेक्ट्रॉन्स इन डिजनरेट ऑर्बिटल्स बिलोंग टू द सेम सबशेल, तब तक उनमें पेयरिंग नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग नहीं होगी जब तक न वो ऑर्बिटल सिंगली ऑक्यूपाइड होंगे। फॉर एग्जांपल सिंगली ऑर्बिटल मतलब है हर एक में एक ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तब पेयरिंग हो सकती है जब तक न ये सारे होंगे सिंगली ऑक्यूपाइड, यानी दे मस्ट कंटेन वन इलेक्ट्रॉन ईच। और एक बात, दीज इलेक्ट्रॉन्स मस्ट हैव पैरेलल स्पिन, जो ये इलेक्ट्रॉन्स होंगे इनके पैरेलल स्पिन होने चाहिए, यानी इनका स्पिन का डायरेक्शन एक जैसा होना चाहिए। व्हाई? इससे क्या होता है, जब स्पिन पैरेलल होगा उससे रिपल्शन कम होती है, स्पिन कम पैरेलल होगा तो रिपल्शन कम होगी, रिपल्शन जब कम होगी उसका मतलब है स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, एटम की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। अब ये ऑर्बिटल्स क्यों करते हैं, व्हाई these electrons occupy these orbitals, why they occupy different orbitals, just ये भी to minimize repulsion minimize करने के लिए, ये they occupy different degenerate orbitals। repulsion जब कम होगा, definitely repulsion कम होने का मतलब है ज्यादा stability, less energy and ज्यादा stability, यानी less energy and more stability। So this was about Hund's rule। अब ये Hund's rule जो है, Hund's rule का मतलब है अगर हम ऐसे मानते हैं, for example if I have I will write ये orbit है, ये this is किसी की confirm, हम मैं confirm लिखूंगा यहाँ पर, this orbital 1s orbital for example, this is 2s orbital, this is 2p orbital, इसमें तीन orbital होते हैं, 2p है ये, 2p subshell, उसके तीन orbital, these are degenerate orbitals। अब इसमें pairing है, इसमें pairing है, but यहाँ पर ऐसे हम रखते हैं electrons, like this, they have parallel spins। अगर हम ऐसे लिखेंगे, इसकी ये कर्व ऐसे लिखेंगे, 1s 2s, ऐसे मैं लिखता हूं, बिकॉज एन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम, एन ऑर्बिटल कैन हैव टू इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम, सो ऐसे मैं लिखता हूं, ये तीन इलेक्ट्रॉन यहां पर, ये तीन मैंने लिख दिया यहां पर। सो दिस कॉन्फ़िगरेशन, जो ये वाला कॉन्फ़िगरेशन है, इट इज नॉट करेक्ट वन, ये करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, दिस इज करेक्ट, बिकॉज यहां पर हमने हुंडस रूल कर दिया अप्लाई, because all the three degenerate orbitals are singly occupied, yahan par ye teen singly occupied hai। ab agar hum total spin karenge calculate, total spin iska hum karenge, total spin calculate, iska spin hai 1 by 2 up spin, iska spin 1 by 2 plus 1 by 2, ye ho gaya total spin, ho gaya 3 by 2। ab agar main iska spin karunga calculate, is wali karunga, iska 1 by 2 hai, so spin, जितना स्पिन ज्यादा होगा
उतना स्टेबिलिटी होती है उसकी, उतना वो ज्यादा स्टेबल होगा। सो अब यहां पर ये मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का मतलब ये है, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का मीन्स द मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी मीन्स दैट द टोटल स्पिन ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इज मैक्सिमम, टोटल स्पिन ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इज मैक्सिमम। अब अगर हम पहला वाला देखेंगे और दूसरा वाला, यहां पर स्पिन 3/2 है, मैक्सिमम स्पिन है यहां पर एज कंपेयर दिस वो कन्वर्जेंट सेकंड। यानी अगर फॉर एग्जांपल कोई एटम है ए, उसकी हमने देखी दो कन्वर्जन, ए और दो हमने ऐसे लिखा इलेक्ट्रॉन, हमने ऑर्बिटल्स में ऐसे इलेक्ट्रॉन रखे, सो इसमें ए वन में ऐसे रखे, सेकंड में ऐसे रखे, सो पहली वाली जो है ना वहां पर मैक्सिमम स्पिन है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का, सो सेकंड में मिनिमम स्पिन है इलेक्ट्रॉन्स का, सो देयरफॉर दिस इज द करेक्ट वन। सो पहला वन जो है ना जहां पर मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी है, दैट मीन्स द कॉन्फिगरेशन जो ये वाली यहां पर जो टर्म है ना मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी वो यहां पर अप्लाई होती है, यहां पर जो स्पिन है वो लेस है। मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का मतलब हैविंग हाई स्पिन, हैविंग मैक्सिमम स्पिन ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सो दिस वाज अबाउट हंड्रस रूल। सो पॉलीज को इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं हम। अब पॉलिस्मस का मतलब है एन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम टू इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम टू इलेक्ट्रॉन्स, इट कैन नॉट अकोमोडेट मोर देन टू इलेक्ट्रॉन्स, बट दीज टू इलेक्ट्रॉन्स मस्ट हैव अपोजिट स्पिन। इसी तरह हंड्रस रूल जो है, हंड्रस रूल ये इट इज रिलेटेड टू द फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, फिलिंग ऑफ डीजनरेट ऑर्बिटल्स विद इलेक्ट्रॉन्स बिलोंग टू द सेम सबशेल। What its status? Electron pairing cannot occur in the degenerate orbitals until each orbital contains one electron or is singly occupied. यानी degenerate orbitals में तब तक electron pairing नहीं होगी, but these degenerate orbitals must belong to the same subshell, तब तक pairing नहीं होगी जब तक वो सारे होंगे singly occupied.